जनपद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के मद्देनजर गुरुवार को नगर निगम के पार्षद तथा व्यापारियों के साथ एक बैठक का आयोजन महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में नगर निगम के हॉल में किया गया। बैठक में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के सफल आयोजन पर चर्चा की गई, जिसके संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि 7 दिसंबर को फर्टिलाइजर कारखाना एम्स और मेडिकल कॉलेज में नए लैब के लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी पार्षदों को अपने वार्ड के लोगों के साथ रैली में पहुंचने की अपील की गई है। साथ ही साथ महानगर के सभी व्यापारी संगठन के साथ बैठक भी किया गया, जिसमें गोलघर व्यापार मंडल, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, किराना कमेटी, दवा विक्रेता समिति, सराफा मंडल सहित अन्य संगठन के लोग मौजूद रहे। उन लोगों से आग्रह किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसभा को ऐतिहासिक बनाएं। उन्होंने जनपदवासियों से अपील किया है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होकर उसको सफल बनाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, अपने पूर्वांचल का सबसे बड़ा मुद्दा था, वो मुद्दा था फर्टिलाइजर खाद कारखाना, जिसे पुनः प्रारंभ होने की कवायद कई सालों से चल रही है। और खाद कारखाना पुनः प्रारंभ हो सके, इसके लिए एक लंबी लड़ाई स्थानीय नागरिकों के साथ, व्यापारी बंधुओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ यदि कोई लड़ता आया तो अपने यशस्वी मुख्यमंत्री की तत्कालीन सांसद रहते हुए इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से लगातार सदन में भी उठाए और सड़कों पर भी आंदोलन किए, जहां मुझे लगा कि इस पटल पर हमारी बात रखने पर खाद कारखाना प्रारंभ हो सकता है, वहां पे उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ खाद कारखाना प्रारंभ करने के लिए इस मुद्दे को रखा। और आज हम सबके बीच में वो दिन आ गया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का यह ज्वलंत मुद्दा, जो कभी हम सबके लिए यह सोचा नहीं था कि प्रारंभ हो पाएगा, आज वह भी बनकर तैयार हो चुका है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में, दोनों लोगों के सानिध्य में, केंद्र सरकार के प्रयास और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों को जो फलस्वरूप हम लोग के बीच में यह खाद कारखाना बन के सामने आया है, उसके उद्घाटन का दिन 7 दिसंबर का दिन तय हुआ है। आज गोरखपुर नगर निगम के सभी सम्मानित पार्षदों के साथ 7 तारीख को खाद कारखाना, एम्स और मेडिकल कॉलेज में नए लैब के लोकार्पण के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी गोरखपुर आ रहे हैं। योगी और मोदी जी के सहयोग से एम्स और फर्टिलाइजर, जहां पर दुनिया की सबसे उत्कृष्ट यूरिया बनेगी, 7 तारीख को फर्टिलाइजर मैदान में उसका लोकार्पण करेंगे। उस लोकार्पण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी पार्षदों को अपने वार्ड के लोगों के साथ उस रैली में उपस्थित रहने के लिए आग्रह किया गया है। सभी पार्षदों की जिम्मेदारी तय की गई है और सभी लोग को आने के लिए निमंत्रण दिया गया है। साथ ही साथ गोरखपुर शहर के सभी व्यापारिक संगठनों की तरफ से एक अलग से मीटिंग की गई है, जिसमें गोरखपुर के सभी व्यापारी संगठनों के लोग यहाँ पर उपस्थित थे। किराना कमेटी, चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स, दवा विक्रेता समिति, ज्वेलरी एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, गोलघर व्यापार मंडल और भी सारे संगठन के लोग यहाँ पर आए हुए थे। उन सभी लोगों से आग्रह किया गया है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
मोदी जी खाद कारखाना और एम्स का उपहार देने के लिए, जनता के लिए समर्पित करने के लिए गोरखपुर में आ गए हैं। इनको ऐतिहासिक स्वागत करने के लिए आप लोग यहाँ पर उपस्थित हों। सभी संगठनों ने एक मत से इस रैली को सफल बनाने के लिए अपने सभी प्रतिष्ठानों से एक एक आदमी अवश्य इसमें उपस्थित होंगे और उन्होंने आश्वासन दिया है आने वाले दिनों में ये फर्टिलाइज़र किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा और साथ ही साथ एम्स में आने वाले नेपाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के पीड़ित लोगों का इलाज यहाँ पर हो सकेगा। या गोरखपुर के ही लिए नहीं, पूरे पूर्वांचल के लिए हमारे लिए गौरव का दिन है। हमें मोदी जी इसका उपहार देने के लिए 7 तारीख को आएंगे। सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाएं और मोदी जी योगी जी का सम्मान करें, क्योंकि बड़े संघर्षों के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है तो मोदी जी का यह अनुपम उपहार उत्तर प्रदेश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ पर गोरखपुर में बड़ा ही अच्छा माहौल है, सभी लोग हर्षित हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 7 तारीख को आ रहे हैं। हम भारी संख्या में उपस्थित होकर उनका वहाँ स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और उनको धन्यवाद भी देंगे कि आपने अनुपम उपहार दिया है। इसके लिए मोदी जी आपको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद।